हेलो दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिवार्डेड वीडियो ऐड बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कुछ सैंपल है। तो जैसे कि जब भी हम जैसे ये मेरा जो सैंपल ऐप मैं बनाया हूँ आपके लिए, और यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है नीचे अर्न, ये जो दिया हुआ है पॉइंट, इसको हम लोग क्लिक करते हैं इस बटन को। तो देखिए This हमारे is a सामने rewarded जो video है, test ad. Nice job loading it. हमारे जो सामने ये जो है ये एक वीडियो ऐड चलती है। उसके बाद इसके बाद जानते हैं इसमें क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा ही बेनिफिट मिलती है, रिवेन्यू मिलती है जब हम लोग इस ऐड को यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में। सारी ऐप कोई भी ऐप हो मतलब नहीं है। और दूसरा हम लोग इसी में जानेंगे कि दूसरा एक ऐप है जो कि उसमें बताने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये जो था आपने जो भी पहले देखा, ये जो था वो देखा आपने कि यहाँ बटन पर है, बट हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास यूज़र मेनू जो ये सिस्टम है इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी हम चलना चाहिए वीडियो ऐड। देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ बाय फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी हमारा वीडियो ऐड चलती है। तो इस तरह का हम लोग ऐड कैसे बनाते हैं एंड्रॉयड ऐप में यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं नीलकंठ पवार, आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है या फिर पसंद है तो यार आप वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो यार नीचे में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में मिलेगा आपको बेल आइकन, उसको प्रेस कर देना है और इस तरह का आपको अपडेट मिलते रहेगा आपके मोबाइल फ़ोन पर। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं हम लोग सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो ये हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो रहा, और यहाँ हम लोग पहले क्रिएट करेंगे न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो ये हमारे हमको लेना है सिर्फ एम्प्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हम लोग ऐप का नाम जो भी आप रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ रिवार्डेड ऐप, इतना रख दिया। और यहाँ जो कुछ होता है डिपेंडेंसी, तो जो भी हो यहाँ मैं इसको फिर आप यहाँ अपने अनुसार एपीआई लेवल को सेलेक्ट करके आप, जैसे मैं इसको 17 लिया हूँ, जैसे मिनिमम 17 होता है 17 अभी 2020 में, तो 17 लेके मैं इसको फिनिश पर क्लिक करता हूँ। जब तक ये ग्रेडल होगा तब तक हम लोग जानेंगे कि कहाँ से हम लोग इस ऐड के लिए कॉपी एंड कॉपी पेस्ट करेंगे जो उसका जो कोड है वो। क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं कोई भी आपको ऐड कॉपी या पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है ना कि यार ये तो यार कुछ इस चीज़ सीखने वाला ही है। इसमें सिर्फ क्या है कि आपको ऐड दिखाना है अपने ऐप में, तो उसके लिए क्या कोड सीखना है यार, आपको डायरेक्टली कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए और आपका कोड तैयार। तो देखिए हमारी जो एक हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्लिक टू कोड, और ये क्लिक टू कोड मेरी अपनी वेबसाइट है जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं, जहाँ मैं ब्लॉग बहुत लिखता हूँ और आपके नॉलेज के लिए मैं बहुत तरह का नॉलेज देता हूँ ब्लॉग लिखकर। बस 70 उसमें डिफरेंट यही है कि मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में, उसमें मिलेगा आपको लिखना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। तो पहले चलते हैं अपना ब्लॉग पर, और जैसे ऊपर लिख दिया मैं यूआरएल में क्लिक टू कोड डॉट इन, तो यहाँ कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा मेरा ब्लॉग। और देखते हैं थोड़ा सा मेरा स्टूडियो सिंक्रोनाइज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मेरा जो ये जो था ऐप जो है प्रोजेक्ट वो हो गया मेरा क्रिएट, और हमारा जो यहाँ है क्लिक टू कोड ऐप जो मेरा है, जो मेरा खुद का ब्लॉग, ये भी हो गया यहाँ दिख रहा है। और देखिए यहीं स्टार्टिंग में, या फिर आपको अगर आप मेरा ये जो ब्लॉग है आप देख रहे हैं बाद में, तो आपको जाना है एंड्रॉयड पर। उसके बाद यहाँ जाने के बाद देखिए आपके सामने जितना भी मैं बनाया हूँ एंड्रॉयड बेसिस कोई भी ब्लॉग में लिखा हूँ यहाँ आपको शो करा। तो देखिए ऊपर में दिया हुआ फर्स्ट में ही क्रिएट रिवार्डेड वीडियो एड्स बटन क्लिक लिसनर एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इसमें मैं इस ब्लॉग में मैं सिर्फ दिखाया हूँ कि कैसे हम लोग बटन क्लिक लिसनर से अपना बनाते हैं, तो इसी मेथड से हम लोग यूज़ करने वाले। तो चलिए क्लिक करेंगे यहाँ कंटिन्यू रीडिंग पर, और रीडिंग पर क्लिक करने में देखिए ये जो मैं कोड दे रहा हूँ आपको ना, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2020 का लेटेस्ट कोड है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और न्यू एडमोब का पॉलिसी के साथ में है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि यार कोड ये दे रहा है तो मतलब फालतू पुराना है या फिर बहुत आउटडेटेड है, ऐसा नहीं है। ये रियल में 2020 का कोड है, और इसमें जो भी आपको स्टेप फॉलो करना है वो आपको एक एक करके करना है, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक कीजिएगा ना तो आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप में देखिए जैसे मैं बताया हूँ बहुत सारे इसमें कि क्या कितना स्टेप लगता है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ने में पढ़िएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली फॉलो करना है स्टेप वन से। तो देखिए स्टेप वन में दिया है क्रिएट एंड ऐड डिपेंडेंसी इन बुल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप में, तो जो फाइल है तो इसको हम लोग सीधा आपको यहाँ से कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना है, आना है वापस अपना ऐप में, और देखिए ये जो दिया हुआ है ग्रेडल उसके क्लिक करना है यहाँ एरो पर, और यहाँ दिया हुआ है बुल्ड डॉट ग्रेडल इसको क्लिक करना है, और यहाँ देखिए ये जो डिपेंडेंसी जो हमने कॉपी किया था यहाँ हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए ऊपर में दिखाएगा सिंक नाम पर, बट आप सिंक नाम कर सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ मैं और ऐड करने वाला हूँ, और कहाँ ऐड करने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको फिर चलना है वापस वेबसाइट पर, और स्टेप टू में क्या दिया हुआ है
मेटा डाटा फॉर एंड्रॉयड ऐप, मतलब कि रिवॉर्ड ऐड के लिए मेटा डाटा, ये जो होता है ऐप आईडी होता है। तो जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सैम्पल ऐप आईडी, जगह आप जब अपना ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर पब्लिश कीजिएगा तो वहाँ अपना उस टाइम आप अपना रियल ऐड आईडी जो होता है आपका ऐप का जो आपको मिलेगा एडमोब में, वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। तो सीधा मैं इसको कॉपी किया और चलता हूँ मैनिफेस्ट में, और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, और यहाँ देखिए जो है एक्टिविटी उसके अंदर उसके नीचे मतलब एप्लीकेशन के अंदर डालना है और यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद भी मैं अभी सिंक्रोनाइज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एक स्टेप और है, क्योंकि यहाँ एक स्टेप नहीं दो तीन स्टेप बचा हुआ अभी यहाँ। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है यूजेज परमिशन, जहाँ हम लोग लेते हैं इंटरनेट से परमिशन। तो यहाँ मैं वाईफाई नेटवर्क अभी लिया हूँ और यहाँ आपको ऊपर में सीधा आपको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपका काम कंप्लीट, अब आप इसको सिंक नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो टाइम लगेगा सिंक नाउ पर, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं तो उसमें टाइम लेता है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम इसको रन करते हैं और उसको जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो बहुत ही फास्टली होता है। देखिए आपके सामने अभी सिंक कम्प्लीट हो गया। अब हमारी जो था ये जो मैनिफेस्ट का काम ख़त्म, और ऐप का भी जो ग्रेडल फाइल का था वो भी काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन स्टूडियो मेन एक्टिविटी पर और मेन एक्टिविटी जावा पर, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी पर पहुँचने पहले हम लोग चलते हैं वापस अपना वेबसाइट पर जो ब्लॉग है, और यहाँ देखिए दिया हुआ है क्रिएट ऐप आईडी एंड एडमोब यूनिट आईडी। तो इसमें देखिए जो यहाँ आपको दिया है नीचे कोड को डायरेक्टली आपको क्लिक कॉपी करना सेलेक्ट करके, और यहाँ आना है आपको रेस फोल्डर के अंदर में, फिर वैल्यू फोल्डर में, और यहाँ दिया हुआ स्ट्रिंग उसके अंदर में यहाँ आपको यहाँ इसको कोड को पेस्ट करना। अब ये कोड क्या है, ये कोड जो है कि एंड्रॉयड जो ऐप आईडी है उसका सैम्पल कोड है, सैम्पल आईडी है, और जो एडमोब का जो यूनिट आईडी आता है जिसे हम ऐड दिखाएंगे उसका यहाँ सैम्पल कोड है। तो यहाँ जब भी आप ऐप को पब्लिश किए तो यहाँ इस कोड को आप चेंज कर सकते हैं। और मैं एक कोड स्ट्रिंग में क्यों डाल रहा हूँ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग में क्या फ़ायदा होता है ना, और उसमें क्या क्या उससे बेनिफिट होता है स्ट्रिंग में डालने से, ये हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, और अगर सीखने का मन है यार तो ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है एक स्पेशली आपके अपनी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है, क्योंकि और बहुत ही आसान माध्यम है, ऐसा बात नहीं है कि हवड़ा बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ आपको वापस आना है स्टेप फाइव पर, और देखिए यहाँ दिया हुआ है क्रिएट ऑन बटन, यहाँ एक बटन आपको क्रिएट करना है, वह एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है। तो यार आपको क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, जब यहाँ दिया हुआ है तो डायरेक्टली अगर आप एंड्रॉयड क्रोम से ये मेरा ब्लॉग खोले हुए हैं तो यहाँ शिफ्ट प्लस बॉटम एरो दबाइएगा और सीधा इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और आना है आपको मेन एक्टिविटी में जो ए है, और यहाँ आपको पहला यहाँ करना क्या है, ऊपर में दिया कॉन्सेंट लेआउट उसको यहाँ से ये जो दिया हुआ है यहाँ करना है रिलेटिव लेआउट, तो रिलेटिव लेआउट है, और यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, लेकिन हटाने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि देखिए इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे तक हम लोग इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। तो ये जो ऊपर का जो होता है रिलेटिव लेआउट उसको आपको डालना पड़ेगा, उसके अंदर जो दिया हुआ टेक्स्ट भी क्लिक करते हैं डिलीट, और यहाँ करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपके सामने जो दिया हुआ प्रीव्यू उसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपके सामने दो चीज़ आ गया। यहाँ अगर ऊपर में ये नहीं दिख रहा है आपका तो यहाँ से आइएगा और यहाँ शो लेआउट डेकोरेशन कीजिएगा, तो यहाँ आपका जो है एक्शन बार का सिस्टम जो यहाँ आपको दिख जाएगा, उसके अंडर में क्या क्या है वहाँ दिखेगा। और इसमें क्या है कि आपको इसमें आईडी और जो भी टेक्स्ट लगता है उसको मैं क्लियरली पहले यहाँ डाल पुट कर दिया हूँ, तो आपको कुछ यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर आना है वापस स्टेप सिक्स जाना है आप, क्योंकि स्टेप फाइव कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए आ गया मेन, ये जो हमारी है एंड्रॉइड स्टूडियो का स्ट्रिंग तो कंप्लीट कर दिया, स्ट्रिंग काम खत्म। अब यहाँ आ गया मेन एक्सएमएल का काम खत्म हो गया, अब बचा यहाँ सिर्फ जावा का जो मेन एक्टिविटी जावा है वो। तो यहाँ देखिए हमारे पास इतना चीज़ आता है, तो यहाँ देखिए पहला यहाँ क्या दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ हमको ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर में इसके बगल में हम लोग कुछ एक्सटेंशन जोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो ही ये काम करेगा, उसे काम नहीं करता है। तो देखिए यहाँ क्लियरली दिया हुआ है एड सम एक्सटेंशन जस्ट मीन इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ आपको इसको कॉपी करना है, और ए जो दिया हुआ ऐप कंपनी के ऐप कंपनी एक्टिविटी के बगल में आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखिए ये जो आता है एरर, यहाँ आप क्लिक कीजिए तो यहाँ आपको अल्टर एंटर क्लिक करना है, जो इसका इंपोर्ट जो इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेगा। उसके बाद ये जो सब जो एरर आता है उसको भी कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आ रहा है आप आने दीजिए, सारा कोड यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, फिर आपको जो इसका वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो यहाँ कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है अंदर ऐप कॉन्टैक्ट कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर में, मतलब कि इसके नीचे, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे। और यहाँ जो बटन दिख रहा है वो आपको अल्ट एंटर, टेक्स्ट व्यू दिख रहा है अल्ट एंटर, और रिवार्ड वीडियो दिख रहा है वो भी अल्ट एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आपका जो यहाँ तो आप तो यहाँ इनिशियलाइज कर दिए, अब चलना है सीधा हम लोग ऑन क्रिएट मेथड में, मतलब ये जो क्रिएट मेथड है ना
इसके अंदर अब हम लोग पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को सीधा ये कॉपी करना डायरेक्टली, तो यहाँ से डायरेक्टली हम सेलेक्ट करेंगे और जितना है इसको कंट्रोल प्लस सी और इसके अंदर हम लोग कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे और देखिए हो गया कॉपी। अब यहाँ जो आता है टेक्स्ट व्यू, जो टेक्स्ट आईडी जो दिखा रहा है ना, ये क्यों दिखा रहा है रेड, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग अल्ट एंटर करने वाले हैं क्लियरली। और ये लोड जो रिवार्ड ऐड है उसको हम बनाएंगे एक वेरिएबल पब्लिक वॉइड से, तो वो तो बनेगा बनेगा, बट ये दिखा रहा था यहाँ टैक्स व्यू को थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, तो टैक्स व्यू चेक नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी पॉइंट है कि यहाँ दिखा रहा है एरर और एरर सॉल्व नहीं हो रहा। चलते हैं हम थोड़ा सा लेआउट में और मेन एक्टिविटी में, और सिर्फ हम लोग ये देखना है कि जो हमारे जो टैक्स व्यू है आईडी है या नहीं। देखिए यहाँ आईडी दिया हुआ है और बटन का भी आईडी दिया हुआ है, मतलब ये है कि ये जो दिखा रहा है रेड कलर, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है इस चक्कर में। आप ये काम आपका हो जाएगा जब आप अपने ऐप को जब इसको हम ग्रेडल करने वाले हैं, देन ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग इसका काम हो गया। अब आते हैं लास्ट थिंग बच गया, जो हम लोग रिवॉर्ड ऐप को जो होता है हम लोग पाउज रिज्यूम स्टॉप करने वाले हैं, उसका हम लोग यूज़ करेंगे मेथड। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा हमको यहाँ शिफ्ट प्लस बॉटम एरो सेलेक्ट करना है और जितना है कोड सबको यहाँ सबको कॉपी करना है। और ए जो होता है अंडर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर, मतलब कि ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आपको सारा चीज़ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो भी आपके सामने आता है ए टोस्ट रेड कलर का, वो आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऐड रिक्वेस्ट भी है, तो यहाँ भी इसको अल्ट एंटर दबा के आप सारा काम कर लीजिएगा। अब बच गया यहाँ आपका दो बटन, तो ये बटन ओबियसली यार काम कर जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास देखिए ऐप जो मेरा मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड है, अब यहाँ डायरेक्टली इसको हम लोग रन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या रियली में सब काम हो गया। तो देखिए अभी मैं एक बार बता दूँ क्लियरली कि हम लोग जो स्ट्रिंग में डाले हुए थे ये दो चीज़ ऐप आई डी एडमोब यूनिट आई डी, तो क्यों डाले थे देखिए। अभी क्या था कि जब भी हम लोग ऐप को अपडेट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि यार हम लोग को ऐप का आईडी चेंज करना पड़ता है, तो जहाँ जहाँ डाले रहते हैं वहाँ वहाँ हमको जाकर चेंज करना पड़ता है। तर उतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह आईडी रखिए बना के और एक वहीं से एक बार आईडी चेंज कीजिए, वहाँ सिंपल आईडी सभी आईडी को और पूरा ऐप में आपका आईडी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग से यहाँ ऐप आईडी लिया हुआ हूँ और देखिए एडवांस यूनिट को भी मैं स्ट्रिंग से उठाया हूँ। और अब इसमें हो गया काम कम्प्लीट, अब थोड़ा सा इसको करते हैं ऐप को रन। तो रन करने के लिए मैं प्रेस कर दिया हूँ और ये मेरा ऐप मुझे मोबाइल का इंटरफेस है सामने है, अब इसमें देखते हैं। तो जब तक रन होता है तब तक देखिए मैं बता दूँ एक बात कि मेरे पास एक मोबाइल ऐप है क्लिक टू कोड, जो देखिए आपके सामने ये दिख रहा है। इस ऐप में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, जो आपको सिंगल क्लिक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ तक आपको मोबाइल के ऐप सारे बहुत मिलते हैं। तो यहाँ से आप जाके आप इस चीज़ को यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और आप अपने अनुसार अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे कि यहाँ क्या है कि पहला कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वीडियो एडिटर भी है, तो उसमें क्या है कि देखिए आपको बहुत टाइम में कोड नहीं मिलता है, तो वो कोड यहाँ से मिलेगा आपको। और ये लॉन्च होने वाली बहुत जल्द ही इस ऐप को, जो भी हम लोग अभी ग्रेडल कर रहे थे, देखिए हमारी ऐप जो है यहाँ क्लियरली शो कर गई। अब तो यार देखिए हमारे पास जो यहाँ है सेम टू सेम जो आपको दिखाया था शुरू में टू कॉपी आ गया, और इस ऐप का जो हम नाम रखे थे रिवार्डेड ऐप, अब यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग। तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने सेम टू सेम खुल गया, अब देखिए क्लियरली यहाँ दिख रहा है, भले यहाँ एरर है। ये एरर जब हम लोग इसको करेंगे यहाँ जाएंगे बिल्ड पर और जब हम लोग रीबिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को तो ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपका जो रिवार्डेड ऐप को वीडियो था वो शो कर गया। अब जब आप यहाँ रियल आईडी डालिएगा तो आपका ये वीडियो रियल आईडी को जो आपके गूगल जो भेजती है एडवर्टाइजिंग वो आपको शो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब भी आप ऐप को डेवलपमेंट मोड में अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हैं तो कभी भी अपना एडमोब का रियल आईडी ना यूज करें, यूज कीजिएगा। अभी टाइम में क्या हो रहा है कि एडमोब जो है बहुत तरह का पॉलिसी निकाला हुआ है, अभी देखिए बहुत सारे यूजर को आपको मालूम पड़ा होगा कि ऐप लिमिटेड का आ गया है एरर, और वो एरर ऐसा है ना जो कभी ख़त्म नहीं होता है यार, आपको बाद में आपको पूरा अपना आईडी को बंद करना पड़ता है। जैसे मैं खुद किया हूँ और इसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, अगर आपको देखना है तो आप चैनल में आकर देखिए, आपका पूरा सीरीज मिलेगा इस वीडियो का। तो इसमें हम लोग का देखना था क्या कि कैसे हम लोग आप बटन क्लिक निशान से हम लोग इस चीज़ को ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात आती है यार कि मैंने शुरू बताया था कि एक चीज़ और कि यहाँ देखिए यहाँ हम लोग जब यहाँ क्लिक करेंगे ये जो नेविगेशन बार नेविगेशन आइटम है वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ शो करता है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ डेमो के रूप में, तो डेमो के रूप में मैं एक दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो है डेमो वन, इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ
और सिर्फ आपको मैं दिखाऊंगा हेल्प के लिए कि क्या बदलाव करना पड़ता है। कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक चीज़ है जो आपको बदलना पड़ता है और वहाँ पुट करना पड़ता है, आपका ऑटोमेटिक हर चीज़ आपका बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार कैसे हम लोग नेविगेशन आइटम्स नज़र में सेट करेंगे, वो सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा खुल चुका है और चलते हैं हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट में। देखिए ये जो है यहाँ जो बताया है, देखिए यहाँ कि हम लोग जब बटन को सेट किए हैं, बटन डॉट सेट क्लिक सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ देखिए यहाँ जो दिया हुआ ना ये इफ़, इसको हम लोग सिर्फ कॉपी करेंगे और जब हम लोग नेविगेशन का आइटम बना देंगे तो जब वहाँ हम लोग क्लिक बट लाएगा तो देखिए वहाँ इसी को हम लोग सिर्फ यहाँ पेस्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं करना है। जिसके अंडर करना है तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और आराम से इस चीज़ को चला सकते हैं। लेकिन जब आप पेस्ट कीजिएगा तो एक बार ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ, अगर आप बटन नहीं चाहते हैं तो बटन में, अगर आप बटन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो ये जो बना लिखा हुआ है ना बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसको भी आप रिमूव कर दीजिएगा। मतलब कि पूरा ये सेटअप जो है ना इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थी छोटी सी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो है हमारी पूरा एडमोब का सीरीज़ का, तो उसमें मैं बताने वाला हूँ शुरू से अंत तक, मतलब कि बैनर आईडी, इंस्टेंशियल आईडी ऑन बटन क्लिक लिसनर, फिर इंस्टेंशियल आईडी ऑन नेविगेशन आइटम क्लिक लिसनर, फिर नेटिव का, फिर आपको मिलेगा इस रिवॉर्डेड का, इसमें दोनों सब चीज़ मिलने वाला है। शायद वो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, शायद एक घंटा करीब पहुंचने वाला है। और ये वीडियो जो आपके आपने देखा यार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो या फिर आपकी मोबाइल में आप जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको दिखा रहा है एरर, तो आपको इंस्टेंट आप कमेंट कीजिए या फिर हमारे जो क्लिक टू कोड ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ से हम मेरे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, भाई इंस्टेंट सॉल्व करेंगे और आपका न्यू अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।